दिवाली से पहले ही धुंध की गिरफ्त में दिल्ली एनसीआर ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर के पार हुआ। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहली बार 700 के पार पहुंचा। हालात इमरजेंसी जैसे। कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष पूजा के लिए आज फिर खुलेंगे सबरीमाला मंदिर के कपाट। हिंदू संगठनों ने महिला पत्रकार को ना भेजने की अपील की। 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात, मंदिर छावनी में तब्दील। मिजोरम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। टिकट न मिलने पर विधानसभा स्पीकर हाईफाई ने पद से और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 5 विधायकों के टिकट कटे, अब 37 सीटों पर ऐलान होना बाकी। जम्मू कश्मीर में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ऐलान। लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट न देने पर केंद्रीय सूचना आयोग सख्त, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को नोटिस भेजा, 16 नवंबर तक जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपने साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने कहा कार्यक्रम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और कश्मीर में 9 साल में पहली बार नवंबर में बर्फबारी। केदारनाथ में पारा -6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कश्मीर में बर्फबारी से सेब की फसल को नुकसान।